गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ कुछ नया बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, अपने कंप्यूटर का स्पीड कैसे बढ़ाना है कुछ सेटिंग करके, चलिए चलते हैं अपने वर्क की ओर। सबसे पहले आपको कीबोर्ड में विंडोज और आर बटन दबाना है। विंडो आर बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखना है आपको क्लीन क्लीन जीएमआर क्लीन जीएमआर, एंटर मारेंगे, ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद सारे में चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे आप और यहाँ से सारा का सारा देख रहे हैं, मैंने पहले डिलीट कर रखा तो इसमें मेरे में ज्यादा नहीं है, नहीं तो एक दो 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 जीबी 3 जीबी हो जाता कभी कभी, कम एम भी है, तो यहां से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट उसके बाद फिर से आपको विंडो आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करने के बाद उसमें टाइप करना है परफेच पे क्लिक और फिर ओके करना है। यहाँ देख सकते हैं कि कितना सारा वेस्टेज फाइल है, तो इसे हम ऑल सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 4 से 5 जीबी डेटा है, कचरा भरा हुआ है, तो आप सारा का सारा इसे डिलीट कर देंगे। से डिलीट करने के बाद आपको फिर से आपको एक बार विंडो आर ही करना है, उसमें टेम्प लिखना है, टेम्प TEMP टेम्प पे क्लिक करने के बाद फिर से कंट्रोल ए करना है और इन सबको डिलीट कर देना है। यहाँ देखिए 400 से 500 MB ये भी है। कुछ फाइलें रह जाता है जो डिलीट नहीं होता है, तो उसे आप एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह। कुछ फाइलें जो डिलीट नहीं होती ओपन फाइल होता है, इसलिए वो डिलीट नहीं होता है, तो इसके लिए छोड़ दें आप इसे, 2-4 फाइलें रह जाती है। तो फिर उसके बाद आप माई कंप्यूटर या दिस पीसी खोल के देख सकते हैं कितना सारा स्पेस खाली हो गई है। 5 से 6 जीबी मेरा जो भरा हुआ था फ्री हो गया। तो उसी तरह आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं और कुछ चीज़ें जो होता है उसे टास्क बार पे आप कैसे बंद करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। विंडोज काफ़ी स्लो हो जाता है कई बार आपका, तो उस तरह आप परेशान हो जाते हैं, तो उसमें कंट्रोल ऑल्ट बटन डिलीट प्रेस करना है कीबोर्ड में और टास्क मैनेजर पे चले जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के बाद कई सारा चीज जो होता है वो बेवजह चलता रहता है, तो उसे आप उसे भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। यहां से डिसेबल कर दीजिए, आपका इंटरनेट भी नहीं एक्स्ट्रा खाएगा और स्पीड भी रहेगा बढ़िया। कुछ कुछ चीजें जो आपको लगे अनयूजलेस है उसे आप कर सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस में जाना है, आप अपने परफॉर्मेंस देख सकते हैं सीपीयू का कितना हाई लेवल हो गया ये। में बहुत कुछ है जो आप उसे बंद कर सकते हैं, अगर स्पॉटिफाई जैसे हो गए इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, उससे पहले कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आप, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके इसी लाइक और कमेंट की वजह से सब्सक्राइब कर दीजिए, के लिए हम इतना मेहनत करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।